बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाहब इस्लाम और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा रिपोर्टिंग यानी सेल्स का या कोई भी डेटा आपके पास है उसकी रिपोर्टिंग करनी है हमें, और इस तरह से करनी है कि शीट वन के ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड है सारा, और ये मंथली रिकॉर्ड हमें दिया हुआ है, और ये किसी भी बैंक वगैरह के डेटा के ऊपर या फिर कंपनी में जो सेल्स वगैरह हो रही है, जिस पर्सन ने करी है और जिस मंथ में जितनी करी है वो हमने यहाँ इंटर करा हुआ है। लास्ट में सम लगा हुआ है, सब कॉलम को हमने प्लस किया हुआ है, तो इसको हमें चेक करना है सेकंड शीट पे, और इस तरह चेक करना है कि किस मंथ में कितनी सेल की टोटल यानी, और इसके अलावा ग्रोथ विस प्रीवियस मंथ। फार्मूला इस तरह से लगाना है कि इससे जो प्रीवियस मंथ की सेल थी उसका परसेंट ग्रोथ कितना हुआ है हमारा। तो ये हमें इसमें काम क्या करना है, शीट वन से एक तो हमें ऑल सेल्स उठानी है पूरी मंथ की, और फिर उसके बाद जो प्रीवियस मंथ, अब जैसे मिसाल के तौर पे जनवरी, इससे प्रीवियस कोई सेल नहीं है हमारे पास, हम इस शीट पर अगर आगे जनवरी करते हैं तो यहाँ ब्लैंक आ रहा है। फार्मूला चेक करवा देता हूँ मैं, यहाँ देखें पूरा फार्मूला लगा हुआ है, और इस तरह से अगर यानी प्रीवियस मंथ नहीं है तो कोई एरर नहीं है, एरर भी हाइड किया हुआ है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ से फरवरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फरवरी रिकॉर्ड और फिर प्रीवियस मंथ का जो रिकॉर्ड है सेल वो लिखी हुई है, और उसका परसेंट के कितने परसेंट यहाँ ग्रोथ हुआ है। तो देखें इस तरह से यानी टोटल अभी फरवरी हमारे पास ये रिकॉर्ड था, और ग्रोथ विद प्रीवियस मंथ की ये सेल, और इस हिसाब से परसेंट हमारा इतना इंक्रीज़ हुआ है। और शीट वन पे ये डेटा जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2020 यानी 2 साल का डेटा है। इसी तरह जितने साल का डेटा होगा आप इस तरह से उसको एक रिपोर्ट बनाकर दिखा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं राइट के लिए कॉपी कंट्रोल एन, बिल्कुल न्यू शीट वर्कबुक इंसर्ट करेंगे, और कंट्रोल वी, और इसी के साथ शीट वन आ रहा है, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, डेटा कर देते हैं इसको। और प्लस पे क्लिक करेंगे, शीट टू ऐड हो जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ, कुछ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, व्यू जूम टू सिलेक्शन। सबसे पहली हेडिंग मंथ, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टोटल सेल, ग्रोथ विस प्रीवियस मंथ, इस कॉलम को डबल क्लिक कर रहा हूँ या ऑटो फिट, और लास्ट आ जाएगा ग्रोथ परसेंटेज यानी कितने परसेंट ग्रोथ हुआ। डबल क्लिक कॉलम ऑटो फिट। अब मंथ यहाँ एंटर करना है या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेटा वन वाली शीट पर, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं कंट्रोल वी पेस्ट। अब टोटल सेल में यहाँ फार्मूला लगाना है, तो इसमें सम ऑफसेट और मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट वो मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाएँ, और सीरीज़ इंटरमीडिएट में मैच और ऑफसेट वगैरह को भी देख सकते हैं। वैसे डायरेक्ट मैं इसमें जो समझा रहा हूँ उसको भी गौर से देखकर उसके प्रैक्टिस करिएगा, और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे सम, बेहतर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगल सिंगल फार्मूले का यूज़ देख लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से फार्मूला मर्ज होंगे इसमें, एक से ज़्यादा जो फार्मूले हम लगा रहे हैं। तो सम ऑफसेट ब्रैकेट ओपन किया हमने, शीट फर्स्ट पर आए, जो फर्स्ट डेटा की स्टार्ट हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा। तो यहाँ पर देखें ऑफसेट फंक्शन में रेफरेंस फर्स्ट सेल आ गया, उसके बाद कहता है रॉ नंबर बताएं, तो रॉ नंबर यानी फर्स्ट है, तो यहाँ वन टाइप करेंगे, इधर चेक कर सकते हैं फार्मूला बार में कॉमा वन, और फिर कॉमा, जैसे ही कॉमा करेंगे उसके बाद कहेगा कॉलम इंडेक्स बताइए, तो कॉलम में हम क्या कर रहे हैं मैच फार्मूला देंगे। मैच ब्रैकेट ओपन, मैच ब्रैकेट ओपन के बाद शीट रिपोर्ट वाली जो है इस पर क्लिक करेंगे अपनी,
और यहाँ से जो सेल आ रहा है इसका, ये सेल क्लिक कॉमा, उसके बाद वापस डेटा की शीट पर आएंगे और जो फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है इधर से रिकॉर्ड हेडिंग्स सारी सिलेक्ट करेंगे और एंड तक। अब एंड तक यानी जितने ईयर का रिकॉर्ड था ये पूरी हेडिंग्स तमाम सिलेक्ट करी हमने, कॉमा लगाएंगे तो मैच आपसे कहेगा ज़ीरो एग्जिट मैच या वन लेस देन या वन ग्रेटर। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ज़ीरो एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद हाइट पूछ रहा है, हाइट क्या होगी यानी अगर हम डेट जो है ये फर्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो जितना हमारे पास मंथ का रिकॉर्ड है यानी जहाँ तक की सेल्स है। अब जैसे मिसाल के तौर पे 15 रॉ नंबर था के मेरे पास, तो ये इसकी हाइट पूछ रहा है आपसे कि कितना रिकॉर्ड को टोटल करना है जो सम फार्मूला रिटर्न करेगा इसको। तो यहाँ से हम कह रहे हैं वन जो हेडिंग से इसको माइनस करें तो 1 2 3 4 4 टोटल 14 बनेंगी यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड में है। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करें जितना रिकॉर्ड होगा तो हेडिंग्स वाली रॉ को माइनस करके जो रॉ बनेंगी वह यहाँ पर आप नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप दे देंगे हाइट 14। अभी फ़िलहाल मैंने जो एंट्री करी हुई है वो हाइट 14 तक की हुई है इसकी 14। और इसके बाद इसकी विथ है, विथ के अंदर आप कर देंगे 1 दोनों ब्रैकेट क्लोज या ऑफसेट ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ एक साथ सम का ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जैसे इंटर करा जनवरी सेलेक्ट है 21,410। यहाँ पर हमारे पास देखें वही जो जनवरी की सेल्स है वो वहाँ पर लिखी हुई आ रही है जनवरी 2019। इसी तरह अगर हम चेंज करना है यहाँ पर डबल क्लिक 1 की जगह 2, सेकेंड रिकॉर्ड आ गया 1988 32। तो यहाँ पर देखें वही सेल हमारे पास फरवरी 2019 की शो हो रही है और ये डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है मंथ। और हम चेंज कर रहे हैं अगर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए डेटा में जाके लिस्ट बना लें ड्रॉप डाउन, यहाँ से लिस्ट क्लिक करेंगे सोर्स और डेटा में जाके ऑल हेडिंग्स 2 साल का रिकॉर्ड है तो ये जो एंड की हेडिंग्स जहाँ तक आ रही हैं सारी सेलेक्ट करके ओके। तो अब यहाँ पर हमें टाइप नहीं करना, सिर्फ हम सॉरी जिस सेल में हमें बनानी है उस सेल पे कर्सर रख कर फिर ये हेडिंग्स डेटा में जाएंगे लिस्ट सोर्स क्लिक डेटा और ऑल हेडिंग्स जितनी आ रही हैं सारी सिलेक्ट ओके डबल क्लिक ऑटो फिट। देखिए अगस्त 2019 इसी तरह जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। अब ग्रॉस विद प्रीवियस मंथ से किस तरह कंपेयर करेंगे, यही जो पूरा फार्मूला हमने लगाया है इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल सी टैब दबाएंगे नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएगा कर्सर कंट्रोल वी डबल क्लिक। डबल क्लिक के बाद यहाँ देख ले फार्मूला बार में क्योंकि सेकंड लाइन आ रही है तो ये फार्मूला हो सकता है सही तरह से समझ में नहीं आ रहा हो। यहाँ फार्मूला बार में चेक करें पूरा वही फार्मूला है जो टोटल सेल में हमने लगाया था और यहाँ पे जो हमने सी 4 सेल एड्रेस ये सिलेक्ट किया था डेट का इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके ई डेट फंक्शन लगाएंगे ई डेट फंक्शन में ये डेट का सेल सिलेक्ट करेंगे कॉमा। एडिटिंग करनी है बस इस फॉर्मूले में, मैच जहाँ वो सेल एड्रेस डेट का था उसको हटाकर हमने ई डेट फंक्शन लगाया ब्रैकेट ओपन सी 4 कॉमा माइनस कहा हमने 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। एरर आ गया, तो एरर क्यों आ रहा है क्योंकि जनवरी है उससे पहला कोई रिकॉर्ड है नहीं हमारे पास तो इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ अगर हम फरवरी करेंगे तो फिर इसका रिकॉर्ड आएगा, लेकिन अगर हम जनवरी कर रहे हैं और पहला कोई रिकॉर्ड नहीं है तो एरर भी नहीं आए। डबल क्लिक इफ़ एरर सम से पहले लगा दें और पूरा फार्मूला इफ़ एरर में दे दें। यहाँ देखें फार्मूला बारे में आ रहा है इफ़ एरर में पूरा फार्मूला आ गया लास्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 और ब्रैकेट क्लोज एरर हाइट हो जाएगा। और सेम ग्रोथ में आ जाएंगे इक्वल ग्रोथ डिवाइड कर देंगे ग्रोथ विथ प्रीवियस मंथ का जो सेल है इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एंटर। तो ये वैल्यू भी जैसे एरर दे रही है क्योंकि ब्लैंक है सेल तो इफ़ एरर और इसके बाद डिवाइड कंडीशन जो है पूरी सिलेक्ट करके 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डबल के लिए इफ एरर की जगह इफ हो गया एंटर। अब देखेंगे इसको
अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ब्लैंक, और रिकॉर्ड होगा तो प्रीवियस मैच होगा। और इसको परसेंट में चाहिए आपको, होम में जाएंगे, यहाँ से परसेंट क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जिस मंथ को भी चेक करना है इसकी हेडिंग्स, अलाइन सेंटर, थोड़ा सा फॉन्ट कम कर लिया, कलर, बॉर्डर, बॉर्डर अपने हिसाब से कलर स्टाइल देना है तो मोर बॉर्डर में जाएं, यहाँ से फॉर्मेट और उसका कलर, तो इस तरह से ये फॉर्मेट आ जाएगा। और यही इसके ऊपर भी देना है। फॉर्मेटिंग लाजमी किया करें। और थिकनेस इसकी मैं बढ़ा देता हूँ या ये कर लेते हैं। ओके, व्यू में जाएंगे, ग्रेड लाइंस, हाइट रखनी है तो हाइट कर दें, थोड़ी सी हेडिंग्स को यहाँ से आप सेंटराइज, इस तरह से अब इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी मंथ आ रहा है मई, उससे प्रीवियस मंथ की जो सेल है उस हिसाब से जो ग्रोथ हुआ होगा वो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी डेटा की शीट जो थी वो मैन शीट थी हमारी, यहाँ से आप डेटा एंट्री वगैरह जो होगी नॉर्मल करके रखी हुई होगी। और रिपोर्ट इस तरह से हम इसको बनाएंगे। यही चीज़ अगर आपको और इंक्रीज़ करना है इन्हीं फार्मूलों की मदद से और ऐड कर सकते हैं। कोई भी फार्मूले में कन्फ्यूजन हो प्रैक्टिस करते वक्त, इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो सीखने चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। एडवांस एक्सेल की जो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह शुरू होंगी, तो उनके लिए भी जो सीखना चाहते हैं हेल्प हो सके उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।